अभी कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में से कम तीन क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, कम से कम तीन क्वेश्चन। तीन में से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होगा, सिंपल सा देखती हो जाएगा, एक थोड़ा बहुत करने वाला होगा और एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल आएगा, ठीक है। तो तीन में से कम दो तो करके ही आने हैं। 2016 के जो पेपर हुए थे सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया आए थे इस चैप्टर में से, ठीक है। तो जितना हो सके ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आज और कल दो दिन चैप्टर चलेगा ये, आज भी पूरा दिन लगेगा इस पर, कल भी लगेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले इस चैप्टर का अपना टॉपिक है वो है आइटा। आइटा क्या होता है? अंडर रूट के अंदर माइनस वन, ठीक है। इसके ऊपर भी सीधे ही क्वेश्चन आ सकता है, आइटा की पावर कुछ दे देगा उसकी वैल्यू बोल देगा कितनी आएगी, ठीक है। आइटा इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट के अंदर माइनस वन, ठीक है। अगर मैं आइटा स्क्वेयर की बात करता हूं कि आइटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा? रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, क्या आ जाएगा? माइनस वन। मतलब दो सेम वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट के अंदर तो रूट से रूट कट जाता है, जो बच गया वो आंसर आता है, माइनस वन आ गया, ठीक है। तो आइटा स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया माइनस वन और आइटा इज इक्वल टू था आइटा। अगर आइटा क्यूब की बात करूं तो हो जाएगा आइटा स्क्वेयर इंटू आइटा, मतलब माइनस का वन इंटू आइटा, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस आइटा, ये आ जाएगा माइनस आइटा। आइटा के पावर अगर फोर की बात करें वो होता है आइटा स्क्वेयर इंटू आइटा स्क्वेयर, मतलब माइनस वन इंटू माइनस वन, मतलब प्लस का वन, तो आइटा की पावर फोर जो होगी वो क्या आएगी? वन आएगी, ठीक है। आइटा की पावर फोर क्या होगा? वन होगा, ठीक है। अगर आइटा की पावर फाइव की बात करूं, आइटा की पावर फाइव, आइटा की पावर फाइव होता है आइटा की पावर फोर इंटू में आइटा, और फोर का मल्टीपल तो आइटा हमेशा क्या होगा? वन होगा। आइटा की पावर फोर वन होता है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? आइटा। इसका मतलब ये हुआ कि आइटा जी वैल्यू जो है पावर फोर के बाद वैल्यू रिपीट करनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आइटा की पावर फोर वन हो जाएगा, आइटा की पावर फाइव आइटा, आइटा की पावर सिक्स जो होगा माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि आइटा की पावर सिक्स को आइटा की पावर फोर इंटू आइटा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। आइटा की पावर सेवन देखें तो ये आएगा माइनस का आइटा, और आइटा की पावर एट को देखें तो ये कितना आएगा? वन आएगा, ठीक है। समझा की बात? आइटा की पावर में अगर फोर का मल्टीपल आ जाए तो वन आता है। तो यही वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है, इतनी इतनी वैल्यू, आइटा माइनस वन, माइनस आइटा और वन। इनको देख के ये पता लगा कि अगर आइटा की पावर में फोर का मल्टीपल आ जाए तो आंसर वन आता है, आइटा की पावर में अगर फोर के मल्टीपल से एक ज्यादा आ जाए तो आंसर आइटा आता है। फोर के मल्टीपल से एक ज्यादा मतलब वन की बात कर रहा है या फाइव की बात कर रहा है? और आइटा की पावर में अगर फोर के मल्टीपल से दो ज्यादा आ जाए माइनस वन, और फोर के मल्टीपल से अगर तीन ज्यादा आ जाए तो माइनस आइटा। इतनी इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। समझा की बात? एन कुछ भी मल्टीपल, एन इंटीजर है, वन टू थ्री फोर नेगेटिव में कुछ भी रख दो चाहे, ठीक है, इंटीजर। अब एक बात और सुनना, अगर आइटा डिवाइड में आ जाए, वन बाय आइटा आ जाए, तो हमने सबसे पहले क्या करना है? आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आइटा इंटू वन आइटा, आइटा इंटू आइटा माइनस वन, तो हमें आंसर क्या मिला? माइनस आइटा। मतलब ये हुआ कि वन बाय आइटा तो माइनस का आइटा होता है, और माइनस का वन बाय आइटा जो होता है वो प्लस का आइटा होता है। ये दो बातें और लिख लेना, ठीक है, कर लो नोट भी इसको। नेक्स्ट देखने में क्वेश्चन है एक, ठीक है, एक क्वेश्चन करना। आइटा की पावर 49 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 49 और इस पूरे की पावर है 49, क्या आंसर आएगा? आइटा की पावर है 49 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर है 49 और पूरे की पावर है 49, जीरो आएगा, बिल्कुल जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये फोर के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 12 इंटू फोर 48 होता है, एक ज्यादा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? आइटा। ये भी आइटा, और वन बाय आइटा क्या होता है? माइनस का आइटा, तो आइटा माइनस आइटा क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। पेपर के अंदर काफी क्वेश्चन चलता है, एक कहता है वन प्लस आइटा अपॉन वन माइनस आइटा इसकी पावर एन कह देता है इज इक्वल टू वन, तो पूछा जाता है एन की मिनिमम वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन आता है।
ठीक है, एन की मिनिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो सेटिस्फाई हो, एन की मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले अपने क्या करें, रैशनलाइज, ठीक है। तो 1 प्लस आइटा अपॉन में 1 माइनस आइटा था, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है भाई। नीचे माइनस था तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा, 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, इस पूरे की पावर क्या है, एन इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, होल स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 का तो 1 आ गया माइनस, आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, यहां आइटा स्क्वायर माइनस 1 है और ये प्लस का 1 है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 2 हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस पूरे की पावर क्या थी, एन इज इक्वल टू 1, मतलब ये आ गया आइटा की पावर एन इज इक्वल टू 1। तो एन की किस वैल्यू, क्या वैल्यू होगी, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, हमें मिनिमम बतानी है तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, नोट करना इसको। ठीक है, आगे लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी नंबर को a प्लस आइटा b इस फॉर्म में लिखा जाए तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अगर किसी नंबर को a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखा जाए उसे अपने बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा जेड से, ठीक है। a क्या है, a कोई भी रियल वैल्यू, और b भी क्या है, कोई भी रियल वैल्यू, ठीक है, a कोई भी रियल वैल्यू है और b भी क्या है, रियल वैल्यू। ये जो a है इसको अपने बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, a क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। आइटा b ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, उसके अंदर b क्या है, रियल है, पूरा आइटा इंटू बी तो पूरा इमेजिनरी पार्ट है लेकिन उसके अंदर जो b है वो क्या है, रियल, उसको इमेजिनरी बनाया किसने है, आइटा ने, आइटा से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है वो 2 प्लस 3 आइटा ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस का 1 प्लस का 4 आइटा ऐसा लिखा जा सकता है, जेड इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3 आइटा ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बी भी कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कई बार 0-0 भी हो सकते हैं, ए को 0 कर दो या बी को 0 कर दो। अगर ए को 0 करता हूं तो जेड इज इक्वल टू मान लो 3 आइटा आ गया, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर b को 0 कर दिया तो z इज इक्वल टू 2, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि ये रियल नंबर है, ठीक है, पर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जो रियल और इमेजिनरी के मिलने से बनता है, उसे अपने बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जब ऐसा नंबर आ जाए इसको प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, और जब ऐसा नंबर आ जाए इसको क्या बोलते हैं, प्योरली रियल नंबर। आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर सबसे कम होते हैं, उससे ज्यादा क्या होते हैं, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर आते हैं, और इंटीजर के बाद क्या आता है, रियल नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल से भी क्या होता है, रियल का भी सुपरसेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल का भी सुपरसेट है, मतलब सारे रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे सारे नेचुरल नंबर को आप होल नंबर बोलते हो, सारे नेचुरल नंबर को इंटीजर बोलते हो, वैसे ही सारे रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, समझा गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ए जो है रियल पार्ट है, बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बी की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल, तब प्योरली रियल नंबर हो जाएगा, फिर भी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। अब जैसे मान लो 1 है, मान लो 1 है, 1 को अपने इंटीजर बोल सकते हैं, तो 1 तो नेचुरल नंबर में भी आता है। मतलब जो नेचुरल नंबर है ना वो होल नंबर है ही है, जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स है ही है, मतलब सारे रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं। कॉन्जुगेट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं तो कॉन्जुगेट को किससे लिखा जाता है, जेड बार से, ऊपर बार लगा दो उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी में बोला था कि ये तो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दें
तो वो इसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसके इमेजिनरी पार्ट को उल्टा साइन का कर दें तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे जेड इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आइटा, हाँ भाई रियल पार्ट कितना है टू, इमेजिनरी पार्ट कितना है थ्री आइटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा टू माइनस थ्री आइटा। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब रियल पार्ट आपको अलग से पड़ा है, इमेजिनरी पार्ट अलग से पड़ा है, तब हम बोलेंगे उसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बता ही ना सके, ठीक है, तब अपने उसका कॉन्जुगेट नहीं निकालेंगे, तब माइनस लगा दो बिल्कुल। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड इज इक्वल टू फोर आइटा दिया है, तो इसका कॉन्जुगेट अपने आप ही माइनस फोर आइटा आ जाएगा। आइटा की जगह पे माइनस आइटा लगाना है अगर रियल और इमेजिनरी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो, ठीक है। जैसे ये नंबर है, हाँ भी इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यही होगा दोबारा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा फोर ही हो जाएगा, ठीक है। हमने आइटा की जगह पर माइनस आइटा लगाना है, कब, जब रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो। कई बार ऐसे अगर डिवाइड में आ जाए वन अपॉन में वन प्लस टू आइटा, हाँ भी रियल पार्ट कितना है इसका, नहीं है, पहले इसको रैशनलाइज करेंगे बाद में रियल पार्ट बताएंगे क्या, अभी इसका रियल पार्ट हमें नहीं पता क्या, क्योंकि डिवाइड में है, ठीक है। अपने सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, वन माइनस टू आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वन माइनस टू आइटा नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर मतलब वन, माइनस माइनस प्लस फोर, तो ये आ गया वन माइनस टू आइटा अपॉन में फाइव, मतलब वन बाय फाइव माइनस टू बाय फाइव आइटा। मतलब अगर इसका कोई रियल पार्ट पूछे कि इसका रियल पार्ट कितना है, तो वन नहीं है, वन बाय फाइव है, इसका रियल पार्ट कितना है, वन बाय फाइव है। पहले इसको रैशनलाइज करके सोल्व करना है, जब आपको रियल और वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू अलग अलग दिखे तब आप बोलोगे ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बना लिया, ठीक है। डिवाइड में नहीं बताना, एक बार डिवाइड में कभी भी आइटा आना ही नहीं चाहिए, और अगर कभी भी डिवाइड में आइटा आता है सबसे पहला काम है उसको रैशनलाइज करना, बात खत्म, ठीक है। तो रियल पार्ट वन बाय फाइव, इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस टू बाय फाइव, अब इसका कॉन्जुगेट बताओ क्या होगा, वन बाय फाइव प्लस का टू बाय फाइव आइटा, ये कॉन्जुगेट हो गया जेड बार, और ये क्या था जेड, तो ये और ये दो अलग अलग नंबर नहीं है, ये नंबर और ये नंबर दोनों एक ही बात, ठीक है, समझाई बात, ये कर लो नोटिस को। हाँ भाई, हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट की, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। अब सुनना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है, तो जेड बार क्या हो जाएगा, ये माइनस आइटा बी होगा। अगर इसका दोबारा कॉन्जुगेट कर दे, पहले वाला नंबर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहली प्रॉपर्टी यही है कि जेड बार का अगर दोबारा बार कर दे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, जेड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, समझा की बात। अब अगली बात सुनना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दे तो प्लस आइटा बी से माइनस आइटा बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा टू ए, ए और ए क्या हो जाएगा टू ए, मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसके कॉन्जुगेट को ऐड किया जाता है तो टू इंटू क्या आता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड ही तो है, ठीक है। आइटा बी से आइटा बी तो कैंसिल हो गया, बचा टू ए, और ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसका कॉन्जुगेट ऐड करे तो नंबर क्या आता है, प्योरली रियल आता है, ठीक है, आइटा वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसके कॉन्जुगेट को माइनस करें तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टू आइटा बी, और आइटा बी पूरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट, मतलब टू इंटू क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आएगा। समझा गई बात, ये ठीक है, इकट्ठा नोट करना, अभी कुछ मत लिखो, ठीक है। अब देखो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आइटा था एक, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था वन प्लस में आइटा, ठीक है, दोनों को ऐड किया, जेड वन प्लस जेड टू कितना आएगा, थ्री प्लस फोर आइटा, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट कर दो, थ्री माइनस फोर आइटा आ गया, ये बात आ गई समझ। अगर इसका मैं सीधा कॉन्जुगेट करता तो क्या था, टू माइनस थ्री आइटा, इसका कॉन्जुगेट करता तो ये आना था वन माइनस आइटा, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड करके देखो क्या आ गया, थ्री माइनस फोर आइटा, जो कि क्या है, सेम है। मतलब क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके पूरे का कॉन्जुगेट कर दो, चाहे अलग अलग कॉन्जुगेट करके ऐड कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी बनेगी
कि जेड वन प्लस जेड टू इस पूरे का बार लगा दो, चाहे जेड वन बार प्लस जेड टू बार लगा दो, दोनों आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी भी ऐसी चलेगी कि जेड वन माइनस जेड टू पूरे का बार आ जाए, चाहे जेड वन बार माइनस जेड टू बार आ जाए, दोनों बातें क्या है? सेम है। प्लस में भी ठीक है, माइनस में भी ठीक है, मल्टीप्लाई में भी चलेगी और डिवाइड में भी चलेगी, चारों में ये बात चलेगी। तो सिक्स प्रॉपर्टी हो जाएगी जेड वन इंटू जेड टू पूरे का बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड वन बार इंटू जेड टू बार। और लास्ट ऐसे है कि अगर डिवाइड में हो, जेड वन और जेड टू अगर डिवाइड के अंदर है और इस पूरे का बार है, तो इसको आप जेड वन बार अपॉन में जेड टू बार लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके है, कर लो भी नोट इसको। ठीक है, अभी हो गया। नेक्स्ट लिखना कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने कंपेयर करते हैं। अगर कुछ ऐसा आ जाए कि x प्लस आइटा वाई इक्वल टू टू प्लस में फोर आइटा, अगर x प्लस आइटा वाई इक्वल टू क्या आ गया? टू प्लस फोर आइटा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? टू है, और y की वैल्यू क्या है? फोर है। मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं फोर आइटा एंड थ्री आइटा, इनमें से कौन बड़ा है भाई? फोर आइटा और थ्री आइटा में से कौन बड़ा है? क्यों, कैसे थ्री आइटा कैसे? तो रूट के अंदर माइनस वन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? अरे इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू मतलब बता नहीं सकते कि पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब मान लो कि मुझे एक बार साइन नहीं पता, इसके बीच में क्या साइन आएगा? ये भी तो नहीं बता सकते कि फिर ये बड़ा है या फोर बड़ा है। तो मैंने कब बोला बता सकते? मैं तो पूछा था कि बता सकते हैं नहीं बता सकते, सिंपल सी बात। इसको इधर लेके आएंगे माइनस आ जाएगा, चाहे यहाँ ग्रेटर देन हो लेस देन हो जो मर्जी हो, ये जब इधर आएगा माइनस का होगा। ठीक है, इसमें इसको माइनस कर दो, क्या आ गया इधर? अब आइटा जीरो से बड़ा होता है छोटा होता है? नहीं बता सकते। आइटा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर बता नहीं सकते जीरो से बड़ा है छोटा है। मतलब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में क्या नहीं किया जा सकता? कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब अगर कोई आपको ऐसा भी दिखाई दे कि 10 प्लस में 9 आइटा और इधर सिर्फ पड़ा है मान लो 1 प्लस आइटा, दिखने में ये बड़ा लग रहा है लेकिन ये बड़ा है छोटा है, हमें नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो हम इसके अंदर बताएंगे कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये भी गलत है, ऐसे लिख रहे हो तो ये भी गलत है। ठीक है, समझ आ गई बात कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। बस अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। ठीक है, नोट करना इसको थोड़ा सा। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख लो, इसको नोट करने भी जाए एक इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है x प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और इसी के मल्टीप्लाई में एक और ब्रैकेट है, उसके अंदर है टू माइनस थ्री आइटा, उसके अंदर है टू माइनस थ्री आइटा इज इक्वल टू फोर प्लस आइटा, इज इक्वल टू फोर प्लस आइटा। ठीक है, एक्स प्लस आइटा वाई, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है टू माइनस थ्री आइटा इक्वल टू है फोर प्लस आइटा। करो इसको, पहले दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल। कुछ ऐसा दिया है x प्लस आइटा वाई टू माइनस थ्री आइटा इक्वल टू फोर प्लस आइटा। x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x रियल वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 3y ये भी रियल वैल्यू, प्लस आइटा इंटू आएगा 2y माइनस का आएगा 3x इक्वल टू 4 प्लस आइटा। तो रियल पार्ट के इक्वल 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल प्लस का 2y इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, x और y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आ रही है 5/13 और y की वैल्यू आ रही है 14/13। x की वैल्यू आएगी 5/13 और y की वैल्यू आएगी 14/13। अब देखो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को
अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए क्या होगा अभी तब देख लेते हैं। 3 प्लस 4 आइटा था, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 4 आइटा से, तो करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3, 3 का स्केयर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 12 आइटा, प्लस का 12 आइटा, माइनस का 16 आइटा स्केयर, इससे ये कैंसिल हो गया 3 का स्केयर। आइटा स्केयर क्या होता है? माइनस 1, ठीक है, तो माइनस 1 माइनस प्लस हो गया, मतलब ये आ गया 4 का स्केयर। ठीक है, कुछ पता लगा कि a प्लस आइटा b को अगर a माइनस आइटा b से मल्टीप्लाई करें तो ए स्केयर प्लस क्या आता है? बी स्केयर। ये चीज़ अपने क्या कब काम आएगी? रैशनलाइज करने में, क्योंकि जब भी रैशनलाइज करते हैं अगर प्लस है तो माइनस से करते हैं, तो प्लस वाला अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा। तो ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्केयर। ठीक है, तो अपने बोलेंगे कि वन अपॉन में ये अगर कुछ ऐसा आ जाए कि 3 प्लस 4 आइटा इंटू 3 माइनस 4 आइटा, तो हम बोलेंगे 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे लिखना है कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इफ z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। जेड इज इक्वल टू अगर ए प्लस आइटा बी है तो z इंटू जेड बार जो होगा वो हमेशा ए स्केयर प्लस बी स्केयर होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखना है एक, 1 प्लस 2 आइटा अपॉन में 1 प्लस आइटा, मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल के बताओ क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बताना। पहले रैशनलाइज करते हैं इसको, 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, देख लेते हैं। तो 1 से किया 1 आ गया, ठीक है, 2 आइटा को माइनस आइटा से किया प्लस का 2, ये हो गया माइनस का आइटा और प्लस का 2 आइटा, प्लस का आइटा अपॉन में आ गया 1 प्लस 1, तो आ गया 3 प्लस आइटा अपॉन में 2। मतलब ये तो किसके इक्वल है? जेड के। हमें जेड बार पूछा गया, तो जेड बार हो जाएगा 3 बाय 2 माइनस आइटा बाय 2। ठीक है, रियल पार्ट भी पूछ सकते हैं, किसका रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट कितना है भाई 3 बाय 2। इमेजिनरी पार्ट कितना है? आइटा बाय 2, और उसके कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस आइटा बाय 2। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, ये क्या होता है सुनना एक बार। मैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आइटा। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 1 प्लस रूट 3 आइटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम x और y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दिखते हैं इस तरह से, ठीक है, कि ये वैसे तो अपनी रियल एक्सिस होती है x, और ये अपनी रियल एक्सिस होती है y, x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। ठीक है, यहां पर जो रियल वैल्यू है 1, ठीक है, वो तो आपने लिखनी है x एक्सिस की ओर, मतलब ये x एक्सिस है ना, इसको आप नाम बोल दोगे कि ये रियल एक्सिस होगी। ठीक है, और जो इमेजिनरी नंबर है आइटा के साथ जो भी पड़ा है उसको अपने लिखना है वाई की ओर, तो वाई को अपने यहां पर बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस का अगर रियल एक्सिस का काम करे और वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस का काम करे। ठीक है, अगर यहां एक्स एक्सिस होती यहां वाई होती तब तो मैंने बोलना था कि अपना कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया, कार्टिजियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया। लेकिन अगर रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस वर्ड में लिखूंगा तब यही प्लेन जो बनेगा इस प्लेन को अपने बोलते हैं आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। इस प्लेन का नाम हो जाएगा अपना आर्गेंट प्लेन। ठीक है, समझ आ गई बात, कि अगर रियल एक्सिस एक्स एक्सिस को अगर एक्स एक्सिस जो है वो रियल एक्सिस का काम करे और वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस का काम करे तो जो प्लेन बनेगा उसको अपने बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं यहां इसके अंदर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि रियल वैल्यू 1 है, मतलब एक्स की ओर मैं कितना गया हूं 1 गया हूं। उसके बाद इमेजिनरी वैल्यू रूट 3 है, आइटा के साथ आ गया रूट 3, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा रूट 3, मैंने यहां लिख लिया, और ये पॉइंट हो गया मेरा 1 कोमा रूट 3। सही बात है, रियल वैल्यू 1 होगी और इमेजिनरी वैल्यू होगी रूट 3। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस रूट 3 आइटा था ये यहां पर आके क्या आ गया अपना जेड आ गया, ये हो गया जेड। ठीक है, और ये पॉइंट अपना 0,0 ओरिजिन हो गया 0,0। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ओरिजिन को इस पॉइंट से मिलाऊंगा
तो ये जो लाइन बनती है इसी लाइन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं आर्गेंट प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी उसे अपने बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यहां पर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो 1 + 3 का रूट कितना आ गया, 2। तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी कितनी, 2। सही बात है, 1, √3 के। और अगर ये जो डिस्टेंस 2 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड है तो हम इसको लिखेंगे मोड जेड की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। ठीक है, और इस लाइन ने, ये जो लाइन बनी है इसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, इस एंगल को अपने क्या बोलते हैं, इसका आर्ग्यूमेंट। एम्पलीट्यूड बोल दो चाहे आर्ग्यूमेंट बोल दो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना बोलोगे, आप बोलोगे जितना ये एंगल बना। ठीक है, समझ आ गई बात। और ये हाइट कितनी है, अब अगर मैं इस हाइट की बात करूं और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये हाइट यहां पर वाई कोऑर्डिनेट मतलब √3 है और बेस यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, 1 है, तो क्या ये एंगल निकल जाएगा थीटा। और यहां से अगर मैं एंगल, अगर इसको एंगल बोल रहा हूं कि अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया √3/1, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई π/360 डिग्री। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया अपना, इसका एम्पलीट्यूड आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया। समझ आ गई बात। मतलब सीधी सीधी बात यह होगी कि वाई कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर दोगे और वहां से थीटा निकाल लो। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अपना 1, √3 है तब की बात है। ओके, ये बात। तो ये तो हमने लिया था जेड इज इक्वल टू 1 + √3 आइटा। अगर मैं जेड बार की बात करूंगा तो जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - √3 आइटा, कॉन्जुगेट इसका ही होगा। और अगर ये पॉइंट इसके अंदर दिखाऊं मैं तो कहां आएगा, रियल वैल्यू 1, इमेजिनरी वैल्यू -√3। तो 1 में जाके नीचे की ओर जाऊंगा मैं, कितना जाऊंगा, यहां तक, थोड़ा और नीचे ले जाते हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 1, −√3। सही बात है ये। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपना क्या हो जाएगा, जेड बार। सही है, जेड बार। और अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं ओरिजिन से ऐसे मिलाता हूं तो ये जो इसकी डिस्टेंस बनेगी ये क्या आ जाएगी, यहां पर मॉडुलस आ जाएगी। ये डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मोड हो जाएगा। और अगर 1, −√3 की 0, 0 से डिस्टेंस निकालो दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर क्या आ रही है, 2 ही आ रही है दोबारा। मतलब मोड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू भी कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, समझ आ गई। इससे पता लगा जितना मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है उतना ही मॉडुलस उसके क्या होता है, कॉन्जुगेट का होता है। ये बात भी होगी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ही निकालना है। ठीक है, और यहां पर आपका एंगल क्या बनेगा, ये इतना कितना बनेगा, एक बार ये अपने बात बाद में करेंगे थोड़ा सा, एक बार ये पता हो कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, ये वाला एंगल इसका आर्ग्यूमेंट का काम करेगा। ठीक है, हम हमेशा एंगल कैसा लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल अगर थीटा है तो उल्टे एंगल आप क्या लोगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव लोगे। ऊपर वाले पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे वाले एंगल, नीचे वाले क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ये बात भी होगी। ठीक है, अगर जेड इज इक्वल टू 1 + √3 आइटा था, अब मैं एक बार माइनस जेड की बात कर लेता हूं कि इसके आगे माइनस लगा दिया, तो इसके आगे जब माइनस लगाऊंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा −1, −√3 आयोटा। सही बात है, −1, −√3 आयोटा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा, एक्स वाला अपना नेगेटिव और वाई वाला हो गया अपना −√3, यहां आ गया। और ये पॉइंट है −1, −√3। ठीक है, समझ आ गई, −1, −√3। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0, 0। और इसको जब मैंने इससे मिलाया तो ये डिस्टेंस जो होगी वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड हो जाएगी। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है माइनस जेड, क्योंकि माइनस जेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी इससे डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, दोबारा क्या आएगी, 2 ही आ जाएगी। तो माइनस जेड का मोड जो होगा वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, दोबारा अपना 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा, इसका आर्ग्यूमेंट कितना बनेगा, ये पूरा एंगल इसके आर्ग्यूमेंट का काम करेगा, ये एंगल, ये इसका हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट इतना इतना एंगल और इस लाइन का आर्ग्यूमेंट ये वाला एंगल था। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक और बात करूं, अगर मैं इसका भी कॉन्जुगेट ले लूं माइनस जेड बार तो ये बनेगा −1, + √3 आयोटा, −1, + √3 आयोटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रियल में मैंने −1 आना है और इमेजिनरी में जाना है √3। तो मेरा ये वाला पॉइंट था −1, √3 और ये क्या है अपना, माइनस का जेड बार, माइनस जेड बार। हाँ भाई, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसको मिला दो इससे, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ जाएगा,
और इसका मोड निकालोगे दोबारा क्या आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, मतलब माइनस जेड बार का जो मोड लिया वो भी दोबारा कितना आ गया मेरा, टू आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वन प्लस थ्री का रूट, ठीक है आंसर टू आ जाएगा अपना, बढ़िया है। अब इसका एंगल क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, अब ये ऊपर की ओर आ गया तो मैं इसको इधर से काउंट करता हूँ कि एंगल ये मेजर करने पर ये इसके आर्ग्यूमेंट का काम करेगा, ठीक है समझ आ गई बात। इससे पता लगा कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, क्या है यार तो इससे पता लगा कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो एंगल सिर्फ इतना सा बनेगा ये वाला, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल क्या होगा पॉजिटिव, और बने है कितना 0 से लेकर 90 के बीच में अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, ठीक है। अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो एंगल 90 से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, पर बनेगा कैसा पॉजिटिव, ठीक है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो एंगल सिर्फ और सिर्फ ये वाला बनेगा, और एक ऐसा बनेगा 90 से छोटा बनेगा, और बने कैसा नेगेटिव क्योंकि क्लॉकवाइज है। और अगर पॉइंट इस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया तो ये एंगल 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, और बनेगा कैसा ये नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों क्लॉकवाइज है नेगेटिव होंगे, और ये दोनों आपके क्या होंगे एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों आएंगे पॉजिटिव। इससे पता लगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा सकता है, पाई तक, और अगर इधर जाओगे तो जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा सकता है, माइनस पाई तक। तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, माइनस पाई से लेकर प्लस पाई के बीच में, ठीक है समझा गई बात। कि अगर इन दोनों क्वाड्रेंट में है थर्ड और फोर्थ में तब तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव आएगा, और अगर इन दोनों की बात करोगे तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है समझा गई बात। इतना हो गया, ठीक है। अब ये मॉडुलस तो हमने सारों का निकाल लिया, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट आएगा कितना अपने ये फाइंड कर लेते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, इन चारों में से कोई भी ले लो, आपने टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा। और टेन थीटा कैसे निकालोगे, मोड लेके, कौन सा इमेजिनरी साइड वाले का और रियल वाली साइड का मोड ले लो, बस ये आपके एक बार टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कैसा भी हो, आपने आइटा के साथ जो भी पढ़ा है, आइटा के साथ जो भी पढ़ा है उसमें रियल वाले का डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए वैल्यू आ जाएगी, आपस में डिवाइड करने पर ये आएगा मोड के अंदर माइनस का रूट थ्री अपॉन वन, क्या मिला मुझे रूट थ्री, और टेन थीटा रूट थ्री कब होता है पाई बाय थ्री। यहां फिर यही बात करोगे तो मोड के अंदर माइनस रूट थ्री अपॉन माइनस वन, दोबारा क्या मिल गया मेरे को, फिर पाई बाय थ्री मिलेगा दोबारा। और यहां रखोगे तो मोड के अंदर रूट थ्री अपॉन माइनस वन, दोबारा मुझे क्या मिलेगा पाई बाय थ्री। और अगर इसकी बात करेंगे तो यहां मेरे पास रूट थ्री अपॉन वन था ही, और यहां पर एंगल दोबारा क्या आएगा पाई बाय थ्री, क्योंकि जब मैंने यहां पर मोड ही ले लिया तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब बना नहीं, हर बार आपने क्या मिलेगा पाई बाय थ्री मिलेगा। तो एक बार आपने थीटा निकाल के साइड में रख लेना, थीटा कितना आ गया पाई बाय थ्री। उसके बाद आपने क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट कौन सा है, अगर पहला क्वाड्रेंट है तो जो थीटा आया था वही आपका क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड, अगर पॉइंट आपका पहले क्वाड्रेंट में है तब तो जो थीटा निकला था वही उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा जो भी आएगा उसको आपने पाई में से माइनस करना है, पाई माइनस थीटा करना है, वो आपका एम्पलीट्यूड आएगा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा यहां था ना, इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा पाई माइनस पाई बाय थ्री, मतलब टू पाई बाय थ्री आएगा, ठीक है। और अगर इधर की ओर इतना गए थीटा हो गया तो उल्टा जाओगे तो क्या हो जाएगा वो माइनस थीटा, कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट वाले की बात करेंगे तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा माइनस का थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे माइनस लगा दिया तो ये बन गया, और इसके आगे माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा थीटा माइनस पाई। अगर एंग पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तब थीटा की वैल्यू यहां रख दो, आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड ऊपर है तो जेड बार हमेशा उसका कॉन्जुगेट नीचे बनेगा, और जितना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है उसके उसके कॉन्जुगेट का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसी के आगे ही माइनस लगा दो, वो उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट बन जाता है। यहां इसका कॉन्जुगेट ये है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर माइनस वन था, प्लस का रूट थ्री आइटा था तो प्लस वाला माइनस हो गया, मतलब ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है कॉन्जुगेट है, और जब कॉन्जुगेट है तो इसका जो भी एंगल होगा उसके आगे आपने माइनस लगा दो वो दूसरे का हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये माइनस थीटा, और ये पाई माइनस थीटा है तो ये थीटा माइनस पाई आ गया, ठीक है समझ आ गई बात। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये जो पॉइंट है इसका आर्ग्यूमेंट मेरे पास बनेगा पाई बाय थ्री, ये एंगल हो जाएगा पाई बाय थ्री, इसका कितना हो जाएगा माइनस का पाई बाय थ्री, इसका क्या हो जाएगा
पाई माइनस पाई बाय थ्री मतलब 2 पाई बाय थ्री, और इसी 2 पाई बाय थ्री के आगे माइनस लगा दो तो ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई बाय थ्री, ये इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात सारी, नोट कर लो इसको एक बार। लो जी क्वेश्चन करना एक एनडीए 2018 का है। जेड इजिकल टू दिया है माइनस का वन माइनस आइटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे आर्ग्यूमेंट पूछा गया है, आर्ग्यूमेंट क्या होगा? करो बेटा इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पूछा गया है, आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं देखता हूं थीटा कितना आ रहा है। टेन थीटा इजिकल टू हो जाएगा मोड के अंदर, यहां भी माइनस वन, ये भी माइनस वन, तो ये मेरे पास टेन थीटा आ गया वन, जिससे थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय फोर। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा ये? थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में, या थर्ड में मेरा आंसर होता है थीटा माइनस पाई, तो थीटा है पाई बाय फोर माइनस पाई, आंसर हो जाएगा माइनस का थ्री पाई बाय फोर, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हो जाएगा आर्गूमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार 19 के अंदर आया था, 19 के फर्स्ट पेपर के अंदर आया था, 19 के फर्स्ट पेपर के अंदर दो क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन लिखना क्या है, वन प्लस टू आयोटा, वन प्लस टू आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा का होल स्केयर। तो पैराग्राफ के फॉर्म में दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन में मॉडुलस पूछा गया है और एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आर्ग्यूमेंट इसका, ये दो क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको अपने, वन प्लस टू आयोटा होल स्केयर ओपन कर दें, तो वन माइनस इसका होल स्केयर क्या होगा, इसका होल स्केयर होगा वन माइनस टू आयोटा, सही बात है, और ये मेरे पास आ जाएगा वन से वन कैंसिल हो जाएगा, और वन प्लस टू आयोटा अपॉन वन प्लस टू आयोटा, और कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया वन, मतलब ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था वो किसके इक्वल है, जेड अपना वन है, और जेड अगर वन है तो इसका मॉडुलस क्या होगा, वन का वन ही आएगा। आर्ग्यूमेंट कितना आएगा इसका, आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आर्ग्यूमेंट प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो कैसा लिखा जाएगा, रियल वाला कितना है इसका वन, तो इधर की ओर जाऊंगा मैं वन, आयटा वाला कितना है इसका जीरो, मतलब ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना, यही पॉइंट अपना है, और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस एंगल कितना बन गया इस लाइन का जीरो, तो मैं बोलूंगा कि इसका जो मॉडुलस है वो तो वन ही है ये लेंथ, और ये एंगल कितना आ जाएगा, एंगल इसका हो जाएगा थीटा आपका जीरो डिग्री। ठीक है, समझ आ गई, मॉडुलस हो गया वन और आर्ग्यूमेंट हो गया इसका जीरो डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, जेड इजिकल टू दिया है वन प्लस आयोटा और ब्रैकेट में है टू प्लस आयोटा और इसके अपॉन में दे रखा है थ्री माइनस आयोटा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पूछा गया था क्या होगा, करो बेट्स को ट्राई, आर्ग्यूमेंट बताना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा। ठीक है, तो जब इसको सोल्व किया अपने तो मल्टीप्लाई करने पर टू माइनस वन प्लस का थ्री आयोटा और अपॉन में बनेगा थ्री माइनस आयोटा, तो ये हो गया मेरे पास वन प्लस थ्री आयोटा अपॉन में थ्री माइनस आयोटा, और इसको जब मैं रैशनलाइज करता हूं तो ये कितना बनेगा थ्री माइनस थ्री प्लस का थ्री आयोटा प्लस का थ्री आयोटा हो गया और प्लस का आ जाएगा आयोटा इंटू ये हो गया नाइन आयोटा, ये आ जाएगा नाइन आयोटा और साथ में आएगा आयोटा इंटू वन आयोटा और अपॉन में आ जाएगा नाइन प्लस वन टेन, इससे ये कैंसिल हो गया और नाइन आयोटा और आयोटा हो गया टेन आयोटा अपॉन में टेन और आंसर मेरे पास आ गया आयोटा। ठीक है, और आयोटा को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा आर्ग्यूमेंट प्लेन के अंदर तो रियल वैल्यू तो इसकी जीरो होगी, तो ये रियल में तो जीरो ही है, इमेजिनरी ये रहा, तो जो आयोटा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस तरह से लिखा जाएगा जीरो कॉमा वन पर, और इसका एक्स एक्सिस एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब अपना एम्पलीट्यूड जो आएगा वो पाई बाय टू आ जाएगा। इससे क्या पता लगा कि अगर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रियल एक्सिस के ऊपर पड़ा है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, आर्ग्यूमेंट जीरो, मतलब अगर नंबर प्योरली रियल है ना, जैसे वन टू थ्री कुछ भी आ जाए उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जीरो आता है, और अगर आपका नंबर प्योरली जीरो तो है, रियल तो है पर नेगेटिव है, तब आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, पाई, मान लो माइनस वन आ जाता है, मान लो सोल्व करने पर यहीं पर माइनस वन आ जाता या माइनस टू आ जाता, तब तो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर इधर लिखना था, और तब आप आर्ग्यूमेंट अगर इधर से कैलकुलेट करोगे, काउंट करोगे, इधर से मेजर करने पर आपका कितना आ जाएगा, पाई आएगा, और अगर इधर से मेजर करोगे तो क्या आएगा, माइनस पाई आएगा, और पाई बोल दो और माइनस पाई बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, पाई भी आंसर सही है, माइनस पाई भी आंसर सही है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है आगे। ठीक है, तो प्योरली रियल नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो यहाँ जीरो होता है और यहाँ क्या होता है, पाई,
और अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर आ जाए जैसे ये वाला आइटा वाला आ जाए तब क्या होगा, यहाँ तो ऊपर की ओर आता प्लस का पाई बाय टू और नीचे की ओर आता क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय टू। ठीक है, समझ आ गई बात। इसके बाद नेक्स्ट लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर जीरो है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड जीरो है, और मोड जीरो का मतलब क्या होता है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, और अगर उसके ओरिजिन से डिस्टेंस ही जीरो है मतलब पॉइंट कहाँ पड़ा है ओरिजिन के ऊपर ही पड़ा है, और अगर पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है तो उसका रियल पार्ट भी क्या होगा जीरो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा जीरो। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड अगर जीरो है तो इसका मतलब उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होंगे उसके जीरो होंगे। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देख लो जो भी हमने पढ़ी है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड हो चाहे उसके कॉन्जुगेट का मोड हो, चाहे उसके नेगेटिव का मोड हो और चाहे नेगेटिव के कॉन्जुगेट का मोड हो, चारों आपस में क्या रहते हैं बराबर रहते हैं, ये हमने पढ़ा ये। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मोड करने के लिए बोला गया है तो आप क्या करोगे, उनको अलग अलग मल्टी मोड करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों अलग अलग मल्टी मोड करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है मोड करके, पहले डिवाइड करना है फिर मोड करना है, तो आप उसको अलग अलग मोड करके उसका डिवाइड कर सकते हो, दोनों आंसर आपके सही आएंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में है, जब भी हमने जैसे जस्ट पहले क्वेश्चन लिया था, ठीक है, उसमें उसने क्या बोला था आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बोला था, और अगर मॉडुलस पूछ लेता तो ऊपर आपके दो दो फैक्टर दिए थे नीचे एक फैक्टर दिया था, आप सारों के अलग अलग मोड निकाल लेते और कैलकुलेट कर लेते आंसर। ठीक है, तब ये आंसर आपका सेम आना था, चाहे रैशनलाइज करके तब भी अपना आंसर सेम रहता है। पांचवी प्रॉपर्टी देख लो, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने ए प्लस आइटा बी, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो ए माइनस आइटा बी से, तो क्या आता था अपना ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वैसे आपको मोड बोल देता कि इसका मॉडुलस बताओ क्या आएगा, वो आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और उसका अगर स्क्वायर करूंगा तो दोबारा यही वैल्यू मिलेगी, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो मोड जेड का क्या बनता है होल स्क्वायर बनता है, क्योंकि जेड इंटू जेड बार भी अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और मोड जेड का स्क्वायर भी अपना क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब कभी भी आपको इक्वेशन दे रखी होती है ना कई बार, तो ये प्रॉपर्टी आपके काफ़ी काम आती है, कहीं पर भी आपको मोड जेड इंटू जेड बार देखेगा उसको कभी भी ये लिखना पड़ सकता है, और कभी भी आपको ये लिखा दिया दिखाया तो उसको आपको ये लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपने ये देखी है दोनों प्रॉपर्टी कि मल्टीप्लाई करने पर अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड करने पर अलग अलग डिवाइड भी हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती, प्लस माइनस में आपका फर्क आएगा। ठीक है, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू के, ग्रेटर देन इक्वल टू। और उसी तरह ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐसे भी लिख लेना कि मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू जो होता है ये ग्रेटर देन इक्वलिटी होता है जेड वन माइनस जेड टू के मोड से। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस आएगा और प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना कि ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, दोनों केस में प्लस ही रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मोड वगैरह की अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर दिखता है तो उसमें ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इक्वेशन वगैरह दी होती है और मैक्सिमम या मिनिमम की बात कर ले तो ज़्यादातर केस के अंदर आपकी यही दोनों प्रॉपर्टी लगती है आपकी। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की टोटल अपने पास कितनी प्रॉपर्टी होगी मॉडुलस की, 7 प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, नोट कर लेना भाई इसको। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बताई थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमेशा माइनस पाई से लेकर प्लस पाई के बीच में होती है, और हमेशा इसको रेडियन में लिखना, कभी डिग्री में लिखना, एम्पलीट्यूड को हमेशा आर्ग्यूमेंट को रेडियन में लिखना है। ठीक है भाई, दूसरी प्रॉपर्टी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का अगर आपसे आर्ग्यूमेंट बोला जाए तो किया था ग्राफ के अंदर अपने जब डायग्राम बनाए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल के उसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आपको पता हो और उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट बोला जाए तो आगे माइनस लगा दो बस। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी भाई,
अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई है और उनका आर्गुमेंट बोला गया है, तो जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग एम इनटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, वैसे हो जाता है। तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ हो जाएगा जेड टू। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू आपका आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रही बात। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये भाई ये भी इसके पहले आपको बता दी कि आर्गुमेंट ऑफ प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर क्या होता है भाई, या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा, पाई से लिखोगे या फिर किससे लिखोगे, माइनस पाई से। उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर, वो आपका आएगा पाई बाय टू आएगा या फिर माइनस पाई बाय टू आएगा, ठीक है। ये बातें अपनी हो गई है, ये सिर्फ छह प्रॉपर्टी है, इनको नोट कर लो एक बार।